कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे खाद्य तेल मार्केट में रिफाइन ऑयल के बाजार के बारे में, जानेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है रिफाइन ऑयल में, क्या कीमतें चल रही हैं, किस तरह का उतार चढ़ाव और ट्रेंड बाजारों में आज आप देख सकते हैं, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। इसलिए हमारे साथ खबरों में आप अंत तक जरूर बने रहिए। काला सागर आयात सौदे की वजह से मार्केट में बीते दिनों खाद्य तेल के बाजार में जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार देखा गया। इसका असर आपको रिफाइन ऑयल में भी देखने को मिल सकता है। सूरजमुखी, मूंगफली और बिनौला तेल में अच्छी खासी तेजी आई, लेकिन अब तेजी को देखते हुए प्रॉफिट बुकिंग भी दर्ज करी गई है। मुनाफा वसूली की वजह से बाजारों में जो तेजी देखी जा रही थी उस पर हल्का सा विराम लगा है और मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हल्की सी नरमी इसकी वजह से दर्ज जरूर करी गई है। कीमतों के बारे में अगर बात करते हैं तो बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग के बाद सूरजमुखी के तेल में लातूर का रेट 980 है, मुंबई कीमतें 975 है, चेन्नई का रेट 980 है जिसमें 10 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है और हैदराबाद का रेट 965 रुपए देखा जा रहा है। मूंगफली के रिफाइंड ऑयल में भी बाजारों में गिरावट आई है। बीकानेर का रेट 1530 है, 20 रुपए तक की गिरावट आई है। चेन्नई कीमतें 1780, हैदराबाद का रेट 1680 देखा गया है। मुंबई कीमतें 1850 देखी गई है। राजकोट का रेट 1850 है जिसमें 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। जामनगर कीमतें 1850 रही है जिसमें भी 25 रुपए तक की नरमी आई है। बात करते हैं अगर बिनौला तेल के बारे में तो बिनौला तेल में कड़ी का रेट 935 है, राजकोट की कीमतें 935, अकोला का रेट 915 रुपए देखा गया है जिसमें 15 रुपए तक की गिरावट आई है। अमरावती का रेट 925, लातूर की कीमतें 915 रुपए देखी गई जिसमें 15 रुपए तक की नरमी आई और धुलिया में जो बिनौला तेल का रेट है, कॉटन वॉश का रेट है, वो 915 जिसमें 20 रुपए तक की गिरावट के साथ बाजारों में कारोबार देखा गया है। मार्केट में हालांकि बहुत ज्यादा तेजी नहीं आई है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, लेकिन जो तेजी बीते दिनों जो देखी जा रही थी खाद्य तेल बाजारों पर उस पर आपको हल्का सा विराम देखने को जरूर मिल सकता है। मार्केट में ओवरऑल आज का ट्रेंड यहाँ से अगर देखते हैं तो वो एक रेंज बाउंड दायरे पे नजर आ रहा है। बाजारों में एक सीमित दायरे पे आपको कारोबार देखने को मिल सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।